हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11.3। और यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन में है, स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 केजी प्लेस इन सफिशिएंट टाइम ओके इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर ओके सो दैट द स्फीयर इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है ओके हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो मास है m ओके एल्यूमिनियम का स्फीयर है तो मास ऑफ दिस स्फीयर तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख देते हैं इज इक्वल टू 0.047 केजी ओके और इसे हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बॉइलिंग वाटर में रखा हुआ है तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस ओके उसके बाद सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू दी 0.14 केजी कॉपर कैलोरीमीटर। फिर हमारे पास एक कैलोरीमीटर था, मान लेते हैं ये कंटेनर कैलोरीमीटर है, उसमें हमने ये स्फीयर रख दिया। अब इस कैलोरीमीटर का मास जो है एम ऑफ सी यू कॉपर का है, इसलिए एम ऑफ सी यू इज इक्वल टू 0.14 केजी ओके। कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 केजी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें वाटर रखा हुआ था ओके और उस वाटर का मास जो है तो हमने इसको लिख दिया एम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.25 केजी ओके इसमें रख दिया है वाटर का मास ठीक है। और इसका इनिशियल टेम्परेचर, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है ना। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, फाइनल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम T1 लिख देते हैं, इसको हम T2 लिख देते हैं। फाइनल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ओके तो यहाँ पर हम हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस लॉ ऑफ कैलोरी मेट्री यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री ओके ये क्या कह रहा है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस ओके तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हीट गेन कौन करेगा। हीट टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम स्फीयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हीट लॉस करेगा और हीट गेन कौन करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एम एस डेल्टा टी है ना, हीट एम ऑफ कॉपर एस ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 23, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ओके प्लस वाटर के लिए भी हम लिखेंगे एम ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर, यहाँ पर हम वापस से लिखेंगे 23 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस ओके इज इक्वल टू हीट लॉस कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम का स्फीयर है ना, तो उसका मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू टेम्परेचर उसका कितना हो रहा है, 100 से 23 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ओके इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। मास यहाँ पर हमारे पास में कैलोरीमीटर कॉपर का मास गिवन है, थोड़ा सा हमको इधर लिखना पड़ेगा है ना, यहाँ लिख लेते हैं। कॉपर का मास यहाँ पर गिवन है हमारे पास 0.14 ओके और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें एक बार बुक में से देखना पड़ेगा। कॉपर का स्पेसिफिक हीट हमने बुक में से देखा, उनको मिला है 0.386 × 10³ ओके अगर हम आगे देखते हैं, कॉपर का स्पेसिफिक हीट हमने देखा 0.386 × 10³ टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर 3 मिल रहा है प्लस वाटर की हम बात करें तो वाटर के लिए हम लिखेंगे मास यहाँ पर गिवन है वाटर का 0.25 और उसका स्पेसिफिक हीट 4200 ओके
वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम या फिर 4.2 कैलोरी जूल पर ग्राम या फिर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, इनटू 3 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। मास एल्यूमिनियम का दे रखा है 0.047। ओके, स्पेसिफिक हीट हमको एल्यूमिनियम का फाइंड करना है, मतलब एस एल्यूमिनियम हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर 100 माइनस 23 हो जाएगा 77। तो यहाँ से हमको एल्यूमिनियम का एस निकालना है। ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम का एस, इसे फिर आगे आपको कैलकुलेट ही करना है, बाकी मैक्सिमम हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। और एल्यूमिनियम का एस जो होता है वो होगा 0. यहाँ से हमको पता चल रहा है कितना, 0. स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.911 × 10³ जूल पर केजी पर केल्विन। दैट इज द आंसर। थैंक यू।